हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत की शुरुआत करते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ जो आ रही है गुजरात से, अहमदाबाद में। दरअसल ये फैसला लिया गया है कि वहां पर दूध और दवाई के अलावा जो तमाम दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं। ये बड़ी बात आपको बता रहा हूं, और ये रात 12 बजे से कर दिया गया है। अहमदाबाद में दूध और दवाई की दुकानों के अलावा सारी दुकानों को बंद कर दिया गया है। देखिए, सब्जी और फल की दुकानें भी बंद रहेंगी, यानी कि सब्जी और फल भी आपको अब बाजार से उपलब्ध नहीं होगा। 15 तारीख तक दूध और दवाई के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। अहमदाबाद नगर निगम का ये बड़ा फैसला, ऐसा करने वाला अहमदाबाद पहला शहर बन गया है देश का, क्योंकि अब तक एसेंशियल आइटम्स में, जरूरी सामानों में सब्जी और फल आते रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद गुजरात जिसमें लगातार संक्रमण बढ़ रहा है उसमें अहमदाबाद टॉप में है। गुजरात नंबर 2 पर है पूरे देश भर में, राज्यों में अहमदाबाद पूरे गुजरात में नंबर 1 में है। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला, तो अहमदाबाद में ये बड़ा फैसला लिया गया है। 15 मई तक नगर निगम का ये फैसला है कि ये लागू रहेगा, और कल रात 12 बजे से इसे इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है। यानी रात 12 बजे के बाद से अहमदाबाद में दवा और दूध के अलावा कुछ भी, किसी भी चीज की दुकान नहीं खुली रहेगी। हमने आपको बताया, जैसा कि सहयोगी कुमकुम आपको बता रही थी, कि सबसे ज्यादा जो संक्रमण के मामले आए हैं वो देश में महाराष्ट्र में आए, लेकिन दूसरे नंबर पर गुजरात में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, और इसी को लेकर अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। जी बिल्कुल, देखिए 6000 से ज्यादा मरीज जो है अब तक गुजरात से सामने आ चुके हैं, उसमें भी एपिसेंटर अहमदाबाद ही, और इसलिए अहमदाबाद नगर निगम ने यह फैसला लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज है बुद्ध पूर्णिमा, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रार्थना सभा में शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, और इस प्रार्थना सभा की तमाम जानकारियां सबसे पहले आपको मिलेगी एबीपी न्यूज के नमस्ते भारत में हमारे साथ। ये प्रार्थना सभा कोरोना वॉरियर्स और महामारी से सीधी लड़ाई लड़ रहे कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित की जा रही है। जी हाँ, ये संस्कृति मंत्रालय दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुखों की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सहयोग के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। प्रार्थना के बाद पीएम मोदी का संबोधन भी होना है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कोरोना योद्धाओं के सम्मान में ये सभा आयोजित की गई है। आज सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच कार्यक्रम का आयोजन होगा, और 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ का ये साझा कार्यक्रम है। बता दें आपको, प्रार्थना सभा के बाद सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री भाषण देंगे, और क्योंकि कोरोना योद्धाओं के सम्मान में ही कार्यक्रम है तो बहुत संभव है कि इसी पर बोले। कोरोना पीड़ितों और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में प्रधानमंत्री इससे पहले भी काफी बोल चुके हैं और आज एक बार फिर से बोलेंगे, लेकिन क्या कुछ महत्वपूर्ण निकल कर आता है, क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुख भी कार्यक्रम में हिस्सा होंगे, तो कोरोना योद्धाओं के सम्मान में संबोधन होगा, और सबसे बड़ी बात है कि ये वर्चुअल संबोधन होगा, यानी इसके लिए कोई भी ग्राउंड पर मौजूद नहीं होगा, और इसमें बोधगया, सारनाथ, नेपाल के गार्डन लुम्बिनी में लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। कुशीनगर में परिनिर्वाण स्तूप और यहां से लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है, और इसी के जरिए जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अपनी बात कहेंगे।